இன்னும் பல திட்டங்கள் வரணும்னா நீங்க நம்ம இந்தியா கூட்டணியை ஜெயிக்க வைக்கணும். அதே நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஒன்றிய பாசிச பாஜகவுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும்னா மோடியை பார்சல் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பணும்னா அந்த அந்த முதல் வெற்றி கோயம்புத்தூர்ல தோங்கணும். தோங்குமா? நிச்சயம் செய்வீங்களா? அதே மாதிரி மா நான் இவ்வளவு நேரம் நம்ம சொன்ன செய்திகள் எல்லாம் சாதனைகள் என்னென்ன வேலை செஞ்சிருக்கிறோம் என்னென்ன திட்டங்கள் வச்சிருக்கோம் சொல்லியிருக்கேன். एक गहन राजनीतिक खेल के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक दिवसीय अभियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी चुनावी यात्राओं को पछाड़ दिया है। ये बयान भाजपा और उसके नेतृत्व के खिलाफ तीखा हमला है। वो भाजपा पर अन्ना द्रमुक को तोड़ने और राज्य में अपनी स्थिति को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बयान के पीछे क्या तथ्य है? क्या राहुल गांधी का अभियान वास्तव में इतना प्रभावशाली था? क्या भाजपा की चुनावी यात्राएं वास्तव में प्रभावित हुई, और अगर हाँ तो किस प्रकार? इसके अलावा स्टालिन ने अन्ना द्रमुक महासचिव एड्डपाडी के पलानी स्वामी पर निशाना साधते हुए कहा कि पलानी स्वामी को केवल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई से परेशानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नहीं। ये बयान क्या संकेत देता है? क्या ये भाजपा और अन्ना द्रमुक के बीच के संबंधों के बारे में कुछ बताता है? इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए हमें उन बयानों के पीछे के तथ्यों और विवरणों को समझने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। हाल ही में स्टालिन ने कहा कि 12 अप्रैल को कोयंबटूर के पास आयोजित सभा, जिसे उन्होंने और गांधी ने संबोधित किया था, भव्य थी और रैली फिल्म बाहुबली की तरह थी, और एक ही सभा के कारण भाजपा पूरी तरह से हार गई थी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि तमिलनाडु के लोगों पर केवल प्रेम से ही राज किया जा सकता है। अन्ना द्रमुक महासचिव एड्डपाडी के पलानी स्वामी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि पलानी स्वामी को केवल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई से परेशानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नहीं। अविनाशी में नीलगिरी और तिरुपुर उम्मीदवारों ए राजा और के सुब्रायण के लिए प्रचार करते हुए स्टालिन ने अन्ना द्रमुक पर भाजपा के साथ गुप्त संबंध रखने का आरोप लगाया, जो देश को बर्बाद कर रही है। स्टालिन ने कहा, पलानी स्वामी किसी भी पार्टी को नहीं चला सकते या राजनीति नहीं कर सकते हैं अगर वो मोदी के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि भाजपा धर्म युद्ध से शुरू होने वाले पूरे नाटक का मंचन कर रही है, जिसमें उन्होंने अन्ना द्रमुक नेता ओ पन्नीर सेल्वम को निष्कासित कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो तिरुपुर मणिपुर जैसा बन जाएगा, क्योंकि वे दंगे भड़काने और अधिकार के नाम पर लोगों का सम्मान न करने के लिए जाने जाते हैं। स्टालिन ने आगे कहा, तिरुपुर भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों ने एक महिला पर जीएसटी के बारे में सवाल पूछने पर उस पर हमला किया। महिलाओं को वे इतना सम्मान देते हैं, उद्योग वहीं चलेंगे जहां शांति है, और अगर भाजपा सत्ता में आती है तो विकास रुक जाएगा और उद्योग चलाना आसान नहीं होगा। मोदी घर और देश के लिए हानिकारक है। आपको बता दें कि एमके स्टालिन के भाजपा पर हमले चुनावी मौसम में राजनीतिक बयानबाजी का एक हिस्सा है। वो भाजपा को एक बाहरी ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तमिलनाडु में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। स्टालिन का ये तर्क भी है कि भाजपा विभाजनकारी राजनीति करती है और देश को नुकसान पहुंचा रही है। वो जीएसटी पर, महिला पर हमले और भाजपा के खिलाफ अन्य आरोपों का हवाला दे रहे हैं। भाजपा ने स्टालिन के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वो निराधार है और तमिलनाडु के लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। पार्टी ने यह भी कहा कि वो राज्य में मजबूत स्थिति में है और चुनाव जीतेगी। ये देखना बाकी है कि क्या स्टालिन की रणनीति सफल होगी।
तमिलनाडु में भाजपा की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है और पार्टी को उम्मीद है कि वो राज्य में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकती है। हालांकि स्टालिन के पास AIADMK और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन है। चुनाव का नतीजा विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें शामिल है विभिन्न दलों का प्रदर्शन, विशेष रूप से AIADMK और भाजपा, विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के मतदाताओं का रुझान, राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति और केंद्र सरकार की नीतियां, चुनाव से पहले उसके दौरान होने वाले कोई भी अप्रत्याशित घटना। कुल मिलाकर तमिलनाडु में राजनीतिक माहौल बहुत प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है और चुनाव का परिणाम करीबी होने की संभावना है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।